रूपा जी, खाद्य तेलों को लेकर सवाल रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों की कीमतों में विदेशों में तेजी आ रही है, भारत खाद्य तेलों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आयातक देश है और अपनी ज़रूरत का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत आयात के जरिए पूरा करता है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि उस आयात में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी होती है वो पाम तेल की रहती है, और पाम तेल इस समय इंडोनेशिया और मलेशिया में रिकॉर्ड हाई पर है। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम तेल की कीमतों में बढ़त कर दी है, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे में सरकार अब यहां पर खाद्य तेलों के ऊपर कुछ फैसला ले सकती है? देखिए, फिलहाल ऐसी अभी फिलहाल कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी जिस तरीके का सप्लाई के अंदर डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है उसके चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। और इंडिया जो है वो लगभग 240 लाख टन के आसपास जो है वो इंपोर्ट करता है, मतलब कंजम्पशन करता है, जिसमें से 90 लाख के आसपास का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जबकि 150 लाख टन के आसपास जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है। तो बिल्कुल इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है और काफी बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करता है। और अब जिस तरीके की डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है सप्लाई चेन के अंदर, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो सनफ्लावर ऑयल पर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा जो सप्लाई चेन है वो सनफ्लावर ऑयल की है, और इससे प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से पाम की डिमांड बढ़ी और पाम के चलते अदर एडिबल ऑयल पैक की जो डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा और आगे चलकर कीमतों में और ज्यादा उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी,